हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल के अंदर एक ऐसा हमें सेटिंग करना है बट वीबीए का यूज नहीं करना। लेकिन सेटिंग क्या है? सेटिंग हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही हम जो भी हिस्सा सेलेक्ट करें उतना हिस्सा हाईलाइट हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया तो इतना हिस्सा हाईलाइट हो जाए, ठीक है, किसी भी कलर में। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया तो फिर ये हाईलाइट हो जाए। तो ऐसी सेटिंग हमें करनी है, ठीक है। मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए आप बिना वीबीए के आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया में आपको ये करना है, फिर आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, फिर जाइए न्यू रूल्स पर, और न्यू रूल्स पे जाके आपको इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ पर आकर के एक फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इक्वल टू लगाइए और यहाँ लगाइए रो का फॉर्मूला। रोज नहीं, रो का फॉर्मूला ही लगाना है। यहाँ पे ब्रैकेट को खाली छोड़ देना है, इज इक्वल टू, फिर सेल का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, डब्ल्यू कॉमा में लिखना है रो, ठीक है। बस इतना करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और क्लोज करके अब आपको प्रेस करना है, यहाँ पर फॉर्मेट पर जाके क्लिक करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो जो भी हम सेलेक्ट करें वो कौन से कलर में हाईलाइट हो जाए, येलो कलर में। तो यहाँ पे येलो दे दिया, ओके कर दिया, और अब यहां से ओके कर दीजिए। तो देखिए यहां पर जो भी हम सेलेक्ट रखेंगे वही एरिया हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ठीक है, फिर यहां पर जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे ना वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। देखिए फिर अगर मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये एरिया हाईलाइट हो गया, फिर इसको सेलेक्ट किया ये एरिया हाईलाइट, फिर इसको सेलेक्ट किया ये एरिया हाईलाइट। तो जिसको भी सेलेक्ट करेंगे अब सेलेक्टेड रेंज में ही होगा, ऐसा नहीं है कि यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर नहीं होगा क्योंकि हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो वही रेंज हाईलाइट होगी जो रेंज आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।